गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भवनीत वेस्टेज। आप लोगों का बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज का टॉपिक है व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज लोगों के पास सर इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, और वो नॉलेज के बगैर काम शुरू करते हैं, इसलिए उनको दिक्कत होती है। सच एज अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं। अगर किसी को लॉयर बनना है तो इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, आप वहाँ कोई भी इंस्टीट्यूट पिक कर सकते हैं और वहाँ जाकर के आप लॉयर की पढ़ाई करेंगे 4 से 5 साल, 6 साल तो आप लॉयर बन जाएंगे। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप 5 से 6 साल की पढ़ाई करेंगे, एक इंस्टीट्यूट पिक करेंगे और आप डॉक्टर बन जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है तो 2 से 3 साल की आप कोर्स करेंगे, एक इंस्टीट्यूट पिक करेंगे, वहाँ जाकर के आप 2 से 3 साल की पढ़ाई करेंगे, फिर आप एक्टर बन जाएंगे। ऐसे ही अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं, बट दुर्भाग्य इंडिया में यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। कोई भी इंस्टीट्यूट में आप भर्ती लेकर के 3 से 4 साल 5 साल आप पढ़ के आप निकल के बाहर डिग्री लेके आप काम कर सकें, ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। लोग डायरेक्ट उतरते हैं और उतर के सीधा काम शुरू कर देते हैं फील्ड में, तो उनसे उनको थोड़ा नुकसान होता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ना मिले तो आप सीधा काम शुरू करने लगेंगे तो आपका लोग आपसे बात नहीं समझेंगे। क्योंकि अगर आप, एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आपको फ़ोन करता है और उसने आपको बोला भाई मैं जो है अपना घर बनाने जा रहा हूं, और आपने बोला भाई एक काम कर मैं तेरा घर बना देता हूं, मुझे पता है कैसे घर बनता है। वो आपको बोलेगा भाई तू आर्किटेक्ट तो है नहीं, तेरे पर डिग्री तो है नहीं, जो तू ये घर बना देगा मेरा। आप बोलोगे नहीं भाई मेरे को पता है, तेरा नुकसान मैं थोड़ी कर दूंगा, मुझे पता है 1 4 इंची की दीवार होती है, 1 9 इंची की दीवार होती है, 3 और 1 का मसाला होता है, सरिया डलता है और दीवार खड़ी हो जाती है, ऐसे धीरे धीरे घर बन जाता है। आप एक बात समझें, वो अगर आप घर बना भी देंगे तो वो घर कब तक टिकेगा, वो टिकेगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा ये भी नहीं पता आपको, क्योंकि वो आप ऐसे ही बना रहे हैं। तो हम लोग भी ऐसे ही उतर जाते हैं करने के लिए, इसलिए लोग भागने लगते हैं। आपको एक फॉर्मूला है, इसमें क्रस्ट रूट कॉज होता है एक चीज का। रूट कॉज आपको मैं बताता हूं कि क्यों लोग फेल होते हैं। आपको वो फॉर्मूला अगर मिल जाए तो आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। वो है 4E फॉर्मूला। 4E फॉर्मूला, पहला है एजुकेशन, सेकंड है एग्जामिनेशन, थर्ड है आपका एक्सपीरियंस, और फोर्थ है आपका एथिक्स। आप मेरे साथ रिपीट करें, पहला है एजुकेशन, सेकंड है एग्जामिनेशन, थर्ड है आपका एक्सपीरियंस, और फोर्थ है आपका एथिक्स। ये 4 आप ई का फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको गारंटी, आपको बढ़ोतरी मिलेगी आपके बिजनेस में, लोग आपको अच्छा समझेंगे। आप एक बात बताएं कि अगर आप एक लॉयर हैं, लॉयर की पढ़ाई करने निकलते हैं और आप एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, आपने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करी, आपने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करी और फर्स्ट ईयर के बाद आप क्या करेंगे, एग्जामिनेशन देंगे ना, सीधा आप बाहर पास आउट होकर निकल तो नहीं जाएंगे। एग्जामिनेशन देंगे, वो भी आप कैसे देंगे, रिटर्न देंगे, वो ओरल नहीं है, वर्बल नहीं है, आपको रिटर्न देना पड़ेगा। वो बोलेगा जी, आपका टीचर बोलेगा कि सर जो आप 1 साल में पढ़ाई करें ना, उसको लिख के बताओ कि कुछ आपको दिमाग में आया है कि नहीं आया है। और आप अगर पास आउट होते हो फर्स्ट ईयर में तो डिग्री नहीं मिलती, तो आप वापस अंदर जाते हो स्कूल कॉलेज में और उस इंस्टीट्यूट में, और जा करके सेकेंड ईयर की फिर आप एजुकेशन लेते हो और जी जान लगाते हो सेकेंड ईयर की पढ़ाई करने के लिए, और फिर सेकेंड ईयर की एजुकेशन लेने के बाद फिर एग्जामिनेशन, वो भी फिर रिटर्न देना पड़ता है।
फिर थर्ड ईयर, फिर आप पास होते हैं के बाद सेकंड ईयर के बाद, फिर थर्ड ईयर के आप एजुकेशन लेने जाते हो, एजुकेशन लेने के बाद फिर आप एग्जाम देने के लिए फिर आते हो, फिर रिटर्न एग्जाम देते हो 3 घंटे का, फिर उसके बाद फोर्थ ईयर जाते हो, फिर आप पढ़ाई करते हो फोर्थ ईयर की पूरे 1 साल, फिर आप उसकी फिर एग्जामिनेशन जाते हो। ऐसे ही होता है ना सर? सही बोल रहा हूं मैं आपको? किसी में 4 साल होता है, किसी में 5 साल भी होता है, किसी में 6 साल भी होता है, मतलब एजुकेशन लेते लेते 7 से 8 साल लग जाते हैं। किसी में 3 साल लगता है, किसी में 5 साल लगता है, किसी में 8 साल लगता है, किसी में 10 साल भी लग सकता है। आपने अपने एजुकेशन ले लिया, एजुकेशन ले लिया, डिग्री मिल गई, अब आप क्या करोगे? आप उसका आप एक्सपीरियंस लोगे। एक्सपीरियंस लेने के लिए किसी डॉक्टर के पास, अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की पढ़ाई करी है तो आप डॉक्टर के पास लगोगे। कोई एक डॉक्टर चुनोगे जहाँ पे आप उनके साथ जुड़ोगे, आप उनके साथ उनके फील्ड में जाओगे, आप देखोगे कि ऑपरेशन में खड़े होके आप टूल्स पकड़ाओगे और बाकी उसकी आप जो तरीके से सीखना है आप सीखोगे, उसमें भी आप 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल भी लगा सकते हो एक्सपीरियंस और उसकी नॉलेज के लिए। और अलग अलग बिजनेस में अलग अलग आप जो भी आप प्रोफेशन में जाओगे उसमें ज़्यादा भी लग सकता है टाइम, 1 आध साल ऊपर भी लग सकता है, मतलब 5 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है और 10 साल भी लग सकते हैं। मतलब आप 8 से 10 साल पढ़ाई में लगाते हैं। और एक चीज़ और करते हैं, अगर वकील होता है तो अपना एथिक्स फॉलो करेगा, वो एथिक्स भी एक फॉलो करनी पड़ती है कि मैं वकील हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं एक प्रोसेस फॉलो करूँगा अपना। डॉक्टर होगा तो वो बोलेगा जी मैं ये, मेरा प्रोसेस ये है, मैं ये फॉलो करूँगा। आप उसे फॉलो करोगे और मैं ये सबकी हेल्प करूँगा, किसी को मना नहीं करूँगा, जिस तरीके से आपका एथिक्स है आपके बिजनेस का, आपके प्रोफेशन का। मतलब आप 5 से 10 साल पढ़ाई करके उसके बाद आपने नॉलेज लेके एक्सपीरियंस लेने के सब कुछ करके 8 से 10 साल लगाए और आपने अभी तक कुछ पैसे नहीं कमाए, खाली आप 4E का फॉर्मूला फॉलो करके, 4 एथिक्स फॉलो करके 5 से 10 साल लगाए आपने और आपने एजुकेशन और एक्सपीरियंस और एथिक्स फॉलो किए। मतलब हर काम में आपको जाने से पहले स्टडी करना पड़ता है, उसका एग्जामिनेशन देना पड़ता है, उसका कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है। ये तो सही है ना सर? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं ना आपको? अब हम जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, इसमें ना हम एजुकेशन लेते हैं, ना एक्सपीरियंस लेते हैं, ना कोई फॉर्मूला, एथिक्स फॉर्मूला करते हैं फॉलो, और सीधा हम फील्ड में उतर जाते हैं करने के लिए काम। आ तेरे को बनाए करोड़पति, अरबपति, तेरे पास भी गाड़ी, मेरे पास भी गाड़ी, तेरे पास भी ट्रक, तेरे पास मेरे पास भी ट्रक, तेरे पास भी JCB, तेरे पास भी एरोप्लेन, मेरे पास भी एरोप्लेन। हाँ, तो फिर लोग आपके पास से भागते हैं और फिर ये लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास काम नहीं आता है, लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं। आपकी बात सुनने के लिए आपके पास कुछ, आपको उस एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, 4E एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा एकदम से। आपको मैं एक क्राइटेरिया समझाता हूँ, क्राइटेरिया के थ्रू आपको मैं एक समझाता हूँ कि कैसे होता है, एग्जाम्पल देके। जैसे एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, एग्जाम्पल लें कि एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। ए पर्सन बी पर्सन का बहुत घनिष्ठ दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, गुड फ्रेंड्स। अब वो गुड फ्रेंड जो है, उसने ए ने गुड फ्रेंड ने अपने बी गुड फ्रेंड को बताया कि भाई मेरे को अपेंडिक्स हो गया है और मैं क्या करूं। वो सीधा छूटते ही बोलता, भाई एक काम करो, मैं तेरा ये निकाल देता हूं, तेरे पास से अपेंडिक्स का ये चीज निकाल देता हूँ, मुझे आइडिया है। आप बोलते हो भाई तू डॉक्टर तो है नहीं, कोई तू डॉक्टर तो है नहीं जो तू मेरा
ये चीज निकाल देगा। तेरे पास कोई डिग्री नहीं है डॉक्टर की, कुछ नहीं है जो आप निकाल दोगे। बोलता भाई मैं दोस्त हूँ तेरा, तेरा नुकसान थोड़ी चाहूँगा, तेरे को मार थोड़ी दूंगा, तेरे को मार थोड़ी दूंगा, तू रुक मैं आ रहा हूँ। उसने फोन रखा और वो उसके घर पहुँच गया ट्रे लेके हाथ में। उसने घंटी बजाई, उसने देखा अब या वो दरवाज़ा खोलेगा, ठीक है जी, या वो दोस्त आपका दरवाज़ा खोलेगा या वो पतली गली से भागेगा। सेम चीज़ आप लोगों के साथ शायद हो रहा होगा, जो ये काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही है, मैं समझ रहा हूँ। ये इसलिए हो रहा है कि क्योंकि आप डॉक्टर नहीं बने हैं और आप उतर गए और लोग भाग रहे हैं, और लोगों की भी कोई गलती नहीं है। अब आप एक चीज को समझें, आप इसको चीज को हम करते हैं रिवर्स, कि जो ए है उसको अपेंडिक्स हो गया है और बी जो इसका फ्रेंड है बहुत घनिष्ठ मित्र है वो डॉक्टर है, अब प्रोफेशनल डॉक्टर, अब उसको प्रोफेशनल डॉक्टर बनाते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल डॉक्टर है वो। अब आपने फ़ोन किया, आपको पता है मेरा ये बी फ्रेंड जो है प्रोफेशनल डॉक्टर है और मैं इससे अपॉइंटमेंट लूँ। आपने बात करी और आपने बोला भाई मेरे को ना अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो गई है और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो अब बी जो है वो आपको टाइम देगा कि मैं फलाना फलाना दिन आपको देता हूँ, मेरे पास 5 से 10 मिनट का टाइम है, आप आएँ हम आपको देखते हैं। अब आप उसकी टाइम लेके उसके पास जाएंगे, उसके पास बैठेंगे, उससे आप इलाज कराएंगे और सब कुछ करेंगे, क्योंकि आपको उस पर विश्वास है, आपको पता है ही इज़ अ सर्टिफाइड डॉक्टर। यही चीज़ है ना सर, गलत तो नहीं बोल रहा मैं आपको, सही चीज़ समझा रहा हूँ ना मैं आपको। दोस्तों यही एक प्रॉब्लम है, इसी तरीके से लोग आपसे भागते हैं। और अगर आप 4E का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, लोग आपके पास आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे और आपसे मदद मांगेंगे, सर आप मेरी भी हेल्प करें और मैं आपके साथ जुड़ के काम करना चाहता हूँ, ठीक है जी। ये है 4E फॉर्मूला। सर आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर शेयर करें लोगों से, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को और नीचे बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे सारे लेटेस्ट वीडियोस जो मैं डालूं आपको रेगुलर मिलती रहें और आप कोई भी वीडियो मेरी छूटे ना आपसे। थैंक यू, विश यू वेल्थ।